ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करीब 30% स्कूलों के पास खेल के मैदान तक नहीं है, इस वजह से बच्चों का खेलों के प्रति रुझान कम हो रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री हकीकत से दूर हैं। जयपुर के स्कूलों में मैदान के हाल खस्ता हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल खोलने के बाद एक बार भी शारीरिक शिक्षा की क्लास नहीं हुई। वहीं स्कूल के पीटी टीचर्स और प्रिंसिपल का कहना है कि कोरोना की वजह से पेरेंट्स शारीरिक शिक्षा में शामिल नहीं होने के लिए भेज रहे बच्चे। भाई सब ध्यान ही है, कहाँ है अतिक्रमण, आप बताओ ना। अतिक्रमण कोई होता है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत हटाए जाते हैं। हम तो खेल में पैसा दे रहे हैं, खेल मैदान के लिए नरेगा के अंदर चार दीवारी बनाने के लिए हम लोग स्वीकृतियां निकाल रहे हैं और खेलो इंडिया में भी हम लोग भाग ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो इस 3 साल में सरकारी शिक्षकों के लिए हो, चाहे सरकारी स्कूलों के लिए हो, चाहे अभिभावकों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं सरकारी शिक्षा में। पहले रेगुलर चलती थी पीटी की क्लासेस और जैसे खेल वेल की थी तो उनके भी सही चलते थे। हाँ, उसके बाद में थोड़ी सी रूटीन बिगड़ गई जिसके कारण नहीं हो पा रही, पहले रेगुलर चलती थी। फिजिकली एक्टिविटीज की और टूर्नामेंट्स की तो विभाग ने अभी 1 हफ्ते पहले ही जो हमें दिशा निर्देश दिए उसके अंतर्गत हमने पूरी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए 2 खेलों में, कबड्डी में और क्रिकेट में हमारी टीम को खेलकूद के लिए भी जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं 65वीं जिला स्तरीय वहां पर भेजा था, उसमें हमारे छात्रों ने पूरी उनकी पालना करते हुए उनको फॉलो किया। प्रैक्टिस तो आस पास का ग्राउंड में ले जाके करवाते हैं, यहाँ हमारे प्रॉपर तो मैदान है नहीं, तो बच्चों को कभी ग्राउंड रामदास ग्राउंड में ये अपना है या चौगन स्टेडियम में इधर रहते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं।